हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अथर्व द्विवेदी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स जी, क्या तुम मुझे मंदिर जाने का मन तो ले जा रही है? मन नहीं है, ये सोचा था कि मैं बड़ी आराम से मजे से सोऊंगा और स्कूल नहीं गया आज। ऐसे कुछ स्कूल में इसके कार्यक्रम था तो ये पार्टिसिपेट नहीं किया था। बड़े बच्चों का था, छोटे बच्चों का नहीं था। बच्चों का था पर छोटे बच्चे भी जा सकते थे देखने के लिए, बट मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेगा बच्चा दो दिन। दो दिन नहीं, एक दिन। क्यों, कल संडे है, कल नहीं रेस्ट करेगा क्या? क्या आज क्या है? आज सैटरडे है। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। और इसको नहला के देखो कैसे बाल चिपके हुए, अभी एकदम बाल गीले उसके। और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, अभी एकदम खुला खुला मौसम। बारिश भी होती कि खेलने को भी नहीं मिलता। हाँ बेल पत्नी तोड़ा भूल गया बेटा। फूल के पेड़ लगी है बेल पत्र? नहीं है बेल पत्र, हम तो फूल भी उधर से नहीं ला पाए गाइस। तो देखिए मेरे अथर्व का क्या क्या प्लान था। अथर्व बताओ अपने दोस्तों को आज क्या बताना। सीक्रेट है। सीक्रेट है? क्या सीक्रेट चल रहा है बच्चे का? प्लान, सीक्रेट प्लान। अच्छा, बच्चों को भी सीक्रेट का प्लान होता है। अब बात कर लो थोड़ा फ्रेंड्स से अपने, ऐसे करो सामने मोबाइल बहुत हिलता है आपसे। हम तो फ्रेंड देखिए हम जा रहे हैं ऐसे ही पकड़ा जैसे ब्लॉगर्स पकड़ते हैं खाते हैं। तो मैं अच्छा ब्लॉगर बन पाऊंगा क्या? मुझे नहीं लगता है मैं अच्छा ब्लॉगर बन पाऊंगा। तो प्लीज आप हमको सपोर्ट करिए, हमको थोड़ा ही बचा है टाइम। फ्रेंड्स आपको हम लोग फ्रेंड वीडियो बना के देते हैं। देखिए कितनी मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। हवा देख नहीं सकते, सिर्फ फील। हम लोग फील करेंगे, उन लोग को भी पता चल जाए क्या। और ये तोड़ लो सभी सभी तोड़ लो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंडली फ्रेंडली फ्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। उसके बगल से हमने थोड़े थोड़े फूल, और आज बारिश नहीं हो रही इसलिए सोचा मैं भी चल लेता आज मम्मा के साथ। और मौसम बहुत अच्छा है, और सोचा क्या चलने के लिए, जबरदस्ती आया, रो रो के आया है मंदिर। बोल रहा था मैं टीवी देखूंगा घर पे, और इसको इतना परेशान किया कि जल्दी चलो हमको वापस जाना है टीवी देखने के लिए, तो हम लोग को भूल गया था घर से लाने। थोड़ी दिन में ब्लॉगिंग पैंट सभी में सैंडल पैंट उतारने में दिक्कत हो, इसलिए हम बाहर से देख लिए मुक्तेश्वर आश्रम। और फ्रेंड्स देखिए, और यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ घूम घूम के। मम्मा जल्दी तोड़ सैंडल नहीं उतर रही इसलिए दोनों हाथ से पकड़ा हूँ मैं। ये तीन वाले तोड़ने, तीन वाले बहुत ऊपर है। यहाँ पे इतना प्यारा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इतना प्यारा मंदिर है, और यहाँ पे हमारे साईं बाबा का है। तो फाइनली फ्रेंड ये हम लोग स्टार्ट कर दिए पूजा। तो कहते हैं पूजा करने से पहले शिवलिंग को साफ़ कर लेना चाहिए, और तो यही हम लोग यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई किए दोनों माँ बेटे। तो फ्रेंड हम दोनों कहना कि सेल्फी वाले कैमरे से, मतलब फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हैं तो ऐसा लगता है कि लेफ़्ट हैंड से पूजा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, हम लोग राइट हैंड से ही पूजा करते हैं, बट वो फ्रंट कैमरा से लेने की वजह से इस तरह आता है। तो ये देखिए मेरा बेटा भी बहुत मन लगा कि पूजा करता है, ऐसा नहीं है, और उसको टाइम बस नहीं मिलता है, और घर पे ही ऐसे हाथ जोड़ के बेचारा चला जाता है स्कूल जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड मुझे लोटा भगवान जी के अपने मंदिर में ही भूल गया अपने घर पे ही, तो ग्लास लेके आई थी दूध चढ़ाने के लिए यहाँ से पे, तो मैं सोची चलो उसी से आज पूजा कर लेते हैं ग्लास से ही। तो ये था मेरा, सिंपल ही रहती पूजा, इतना नहीं मेरे से जितना हो पाता मैं उतना ही करती हूँ, और तो मैं जो कुछ भी करती हूँ आपके साथ शेयर ही करती हूँ फ्रेंड। तो था आज का पूजा मेरे बेटे के साथ, और मुझे भी अच्छा लगा कि हम दोनों माँ बेटे मिलके पूजा किए। तो चलिए और दिखाते हैं। तो मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना होने की वजह से अच्छे से पूजा हो गई, और यहाँ पे मुझे सामने पानी थोड़ा सा डाली, वहाँ पे नंदी जी बैठे हुए हैं, तो उनका वीडियो यहाँ से नहीं बन पा रहा था क्योंकि कैमरा अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था।
तो यहाँ पे नंदी जी उनकी भी पूजा हो रही है और भीड़ नहीं होने की वजह से आराम से हम दोनों माँ बेटे अच्छे से पूजा कर लिए। तो पता है गाइस, हम लोग के यहाँ पर सावन 22 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, पर महाराष्ट्र के लोगों का सावन हमारे सावन के 15 दिन बाद स्टार्ट होता है, इसकी वजह से अभी मंदिर में भीड़ नहीं है। और हालाँकि यहाँ पर 5 अगस्त से यहाँ, और यहाँ मतलब यहाँ का सावन मतलब मराठी लोगों का सावन स्टार्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा मंदिर में अब भीड़ होगी। और क्योंकि हर फंक्शन इन लोगों का हम लोग के फंक्शन के बाद ही करते हैं, जैसे हम लोग होली मनाते हैं तो इन लोग को होली एक दिन बाद होता है, दिवाली भी ऐसे सेम होता है जैसे, तो ऐसा है यहाँ का सिस्टम। और सब फंक्शन नहीं, हर फंक्शन बाकी सेम ही रह जाए, जैसे रक्षाबंधन उसी दिन ही होगा। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग चलेंगे घर की ओर। देखिएगा गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी 5 अगस्त से मतलब कितना भीड़ होगा यहाँ पे मंदिर में, अगर उसी टाइम पे आ पाए, क्योंकि इन लोग बहुत जल्दी मॉर्निंग में पूजा कर लेते हैं, मुझे मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता, मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद अपना घर का काम करने के बाद ही, हाँ बेटा जन्माष्टमी की छुट्टी मिलेगी तो करने के बाद ही मैं आती हूँ मंदिर। और तो चलिए, इतना ही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।